कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भजन में एक नया विचार है, नया दृष्टिकोण है, और वही भक्ति है, वही प्रेम है, वही समर्पण है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहाँ पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया। अहिल्या बन गई, उद्धार हो गया। भोला भाला केवट, उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी।
मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। नाना ता गंगा पार प्रभु की पटकी नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की वटकी नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो राम हो, हैया हो राम हो, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं, बनवासी राम सब छोड़कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, आज तो सेवा का अवसर मिला है। भगवान राम बोले, केवट ले लो, मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम सोचने लगे, ये मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया? पूछा उन्होंने, केवट जरा साफ साफ बताओ, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला, प्रभु एक ही काम है हमारा आपका। कहने लगा, नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले, ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? केवट बोला, है एक ही। कहने लगा, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देके मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो, जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा इकदम सिया राम लखन को पार उतारा, प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोह पार करे। जाना गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े,
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की बटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की बटकी नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु की बटकी नाव चढ़े।